हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था आपको और ये हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़े थे, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन के बारे में, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रिएजेंट्स के बारे में और रिएजेंट कौन कौन से तरह टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देखो, रिएजेंट सबसे पहले बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ। रिएजेंट होते हैं दो तरह के, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से दो तरह के होते हैं, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। एंड इलेक्ट्रोफाइल भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे रिएजेंट क्या होते हैं। देखो, जो ये कोई रिएक्शन होती है, जैसे कि ये रिएक्शन है प्रोपीन, इसकी ब्रोमीन के साथ हमने रिएक्शन कराई है, तो एक ब्रोमीन यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जो हाई, इसने ये क्या है, हाई रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है ये, हाईली रिएक्टिव रिएक्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, हम रिएजेंट बोलते हैं। जो हाईली रिएक्टिव रिएक्टेंट होता है वो रिएजेंट होता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है, जो कम रिएक्टिव होता है, उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ध्यान रखना, सबस्ट्रेट क्या होता है, जो कम रिएक्टिव होता है इस रिएक्टेंट के अंदर, और रिएजेंट क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट के अंदर जो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। तो इसमें देखो, रिएजेंट दो तरह के हैं हमारे, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। न्यूक्लियोफाइल देखो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि देखो इसको वर्ड का मतलब देखो समझो, देखो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, एंड फाइल मतलब लव, मतलब कि जो न्यूक्लियस को लव करता हो। न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब कि इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके पास इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, भरपूर मात्रा में होते हैं, ठीक है, कमी नहीं है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और क्या करते हैं, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, दे शेयर डियर इलेक्ट्रॉन, किसको देते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स या ग्रुप, ठीक है। मतलब कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे सकते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल जैसे समझें न्यूक्लियोफाइल्स के, तो यहाँ पर होगा हमारा, जैसे देखो CN नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये क्या है, हमारे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और भी हो सकते हैं OR नेगेटिव, और भी हो सकते हैं जैसे कि NH2 नेगेटिव, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब यही है, जिसके ऊपर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा ही होगा। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, कि उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, कि उसके पास, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि H2O का, HOH, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नहीं होता है इसमें, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और भी हो सकता है ROR, ये भी है, ठीक है, NH3 में भी क्या होता है, सिर्फ अनपेयर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है,
मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं इनको हम, न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अब इनके एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ गए ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में उस पर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज भी होगा। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब सिर्फ उस पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और नहीं होगा उसके ऊपर। और अगर एग्जांपल देखो समझते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का, सबसे पहले कि जब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करता है सबस्ट्रेट के साथ तो क्या होता है। तो देखो, जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है किसके साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ। यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं हम, इसके ऊपर ये कार्बन है, हाइड्रोजन, इसका जो फोर्थ है, जो फोर्थ इसके सेल है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तीन बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक है। इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल बहुत सारे हो सकते हैं, और इसमें भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि Cl- Br-, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मैं सिर्फ न्यूक्लियोफाइल लिख ले रहा हूँ ऐसे, इसकी जगह पे कोई भी लिख सकते हो, या ऐसे ही मैं लिख देता हूँ Cn- लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा कौन सा न्यूक्लियोफाइल है बताओ। देखो, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट बता रहे हैं, मैंने कहा था ये रिएजेंट है, कौन सा रिएजेंट है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन करेगा इससे तो क्या बनेगा। देखो, नेगेटिव जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जब जुड़ेंगे, देखो दो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आकर के बॉन्ड बना लेंगे, और जो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो कैंसर हो जाएगा। तो क्या बनेगा इससे हमारा, सी यहाँ पे एच, यहाँ पर एच, और यहाँ पर एच, और यहाँ पर जो ये जो दो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इससे क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे CN, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसर हो जाएगा। समझ में आ क्या, एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर इसकी जगह पे हम Cl भी ले सकते हैं, अगर इसकी जगह पे Cl होगा तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, इसने इसके साथ रिएक्शन कर लिया करके, ये इधर आकर अटैक करेगा इसके पास न्यूक्लियोफाइल, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर आकर के बॉन्ड बना लेंगे Cl के साथ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है यहाँ पर। और ये इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, हम एडिशन करते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट के साथ, तो हमें कैसा मॉलिक्यूल मिलेगा, हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल टू सबस्ट्रेट, पॉजिटिव चार्ज सबस्ट्रेट, देन वी गेट क्या, न्यूट्रल, मतलब कि कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसी की रिएक्शन कराते हैं हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो देखो CCC, अब कोई भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि हम सिर्फ NU लिख रहे हैं, ठीक है, और न्यूट्रल है मतलब उसके पास सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने बताया था ना, न्यूट्रल है तो मतलब क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज उसके पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा इसके पास, ठीक है, ये क्या है, रिएजेंट है, हाईली रिएक्टिव, और ये क्या, सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सिर्फ यहाँ पर आकर के बॉन्ड बनाएगा और कुछ नहीं करेगा, तो यह बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया करके। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज नहीं होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, अब ये कैंसिल तो होगा नहीं इससे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये तो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब इस वाले के पास आ जाएगा, मतलब कि अगर हम किसी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूट्रल है, मतलब कि इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल अगर हम किसी सबस्ट्रेट के साथ, पॉजिटिव चार्ज सबस्ट्रेट के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव मॉलिक्यूल मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल मिलेगा। समझ में आ गया हमें, तो इसमें हमें क्या मिला, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और इसमें क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल मिला हमें, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल।
और इसमें क्या मिला हमें, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये क्या था हमारा, सब्सट्रेट था। सब्सट्रेट क्या होता है, कोई भी जो कम रिएक्टिव होता है जिसके ऊपर रिएक्शन किया जाता है, ये भी सब्सट्रेट है, ठीक है। और जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं जो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो रिएजेंट होते हैं। कौन सा रिएजेंट है, ये नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर, ये वाला न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और ये कौन सा है, ये नेगेटिव चार्ज है इसके पास, तो कौन सा होगा, ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया क्या क्या चीज़। देखो न्यूक्लियोफाइल दोबारा से बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देख वो क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, किसको शेयर करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होते हैं, इनकी कमी होती है जिनके पास, उनको शेयर करते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल्स था।